अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज मैं ये एक बड़े बच्चे के लिए हुडी वाली जैकेट लेके आई हूँ। मुझे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, फरमाइश आ रही थी कि आप बड़े बच्चों के लिए कुछ बनाएं, तो ये 8 से 10 साल के बच्चे के लिए हुडी वाली जैकेट है। ये हुडी के साथ, जो कि पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये सारी और विद ये पॉकेट, 2 पॉकेट्स हैं और ये सारी, ठीक। और ये इसके स्लीव्स के ऊपर भी ये बॉर्डर, और ये बैक साइड इसकी सारी सादा है, क्योंकि बड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डिज़ाइन फिर इतना अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चों में अच्छा लगता है, एज एज की बात होती है। और ये हुडी के साथ ऐसे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये कितनी चौड़ी लंबी है। मैं 8 से 10 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगी, फिर भी आप जब भी बच्चे का बनाना लगो तो उनके कोई जंपर कार्डिगन, जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ, वो ज़रूर नाप लिया करें। ये यहाँ से 17 इंच चौड़ी है, 17 इंच, और इसकी लेंथ कितनी हो रही है, लेंथ भी इस एज में जो बच्चे 8 से 10 साल की एज में होते हैं वो भी, बच्चों की लेंथ बहुत वेरी करती है। बाद बच्चे लंबे होते हैं, बाद ज़रा अभी छोटी हाइट के होते हैं, तो ये भी आपने लेंथ को खुद ही एडजस्ट करना है। ये रफली आप इसको कह सकते हैं कि ये तकरीबन 20 इंच है, 20 इंच है तकरीबन, ठीक है। और यहाँ से ये 14 इंच तकरीबन यहाँ से हो रही है ये जो लंबी, ओके, 14 इंच तक, 14, यस अभी 14 हो रही है, क्योंकि ये स्टिच ऐसा गैदर करने वाला, जब मैंने बनाई थी उस वक्त तो मुझे लगता था 13 है, बहर ये ऐसे स्ट्रेच करता है ये वाला ना, तो ये 20 आप कह लें, 19-20 के पास। और ये फिर ये इसकी केबल डिज़ाइन, इसको मैंने बनाते हुए इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है जो मैं अभी अपलोड करूँगी। और ये हुडी के साथ मुझे यही डिज़ाइन समझ आया, मैंने ये बना लिया, तो आई होप कि ये बच्चे को पहनना अच्छी लगेगी जब वो पहनेगा। और आप ठीक है, आप इसको लाइक करोगे। चले, मैंने इसको इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है तो वो मैं अपलोड करती हूँ। ये मैंने डबल निटिंग वूल ली है, और डबल निटिंग एक्चुअली यहाँ पे इसको जब आप इसको खोलते हो तो इसके अंदर 3 धागे ट्विस्ट हुए होते हैं, ओके, इसको यहाँ डबल निटिंग बोलते हैं। और जो मेरी सिलाईज हैं वो 4 mm की हैं आपकी, और अपनी सहूलत के लिए मैंने एक इसका ये बना के रखा हुआ है पैनल, फ्रंट पैनल का ये था कि इसके लिए मैंने 58 स्टिचेस लिए, ये 30 तक तो ये है, फिर ये मैंने उसका स्टार्ट ही कर लिया ये बॉर्डर, लेकिन उसकी जो फ्रंट ये मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है ये मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैंने जब यहाँ से किया था तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मैंने जैकेट स्टाइल बनाना है, ठीक है, यहाँ कर लिया। ये मेरे 16 में ये पड़ी है, एक एक का इनका डिफरेंस है, और 10 स्टिचेस ये हैं, ये टोटल 58 स्टिचेस हैं। मैं लिख भी देती हूँ, मैं 30+1 का ये इन डिज़ाइन और इसके दरमियान ये गैप है, ये देखिए ये जो वन लाइन आ रही है A1+16 में ये 16 की ये केबल डिज़ाइन पड़ रहा है, फिर प्लस यहाँ गैप आ रहा है, और फिर 10, इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 58 स्टिचेस बनते हैं जी। ये मैंने 58 स्टिच डाल के और इधर से बस एक सिलाई डाल ली है, अब मेरा दूसरी जो लाइन है वो ब्लू की डलेगी, ठीक है, तो मैं ब्लू ऐड, ये जो धागा है मेरा इसको ऐड कर लेती हूँ। मैं फिर 2 सिलाइयाँ सीधी 2 सिलाइयाँ अब सीधी बना लूँगी, ओके, ये बस इसी तरह इसको सीधी बना लूँगी, इसी तरह आप 2 सिलाइयाँ सीधी बना ले, और ये जब इधर को प्रो देंगे तो ये ऐसे फील नहीं होगा। ये देखें, ये अब मैंने ये देखें, ये मेरा ये वाला पैनल है, ये सेकंड पैनल है, इसका मतलब इसका डिज़ाइन मुझे यहाँ से डालना है, ओके। अब ये वाला जो ये तो ख़त्म हो गया, अब ये पट्टी इसी के साथ चली आएगी, ठीक। अब मैंने ये करना है कि या तो ये स्किन कलर का आप धागा काट दें, क्योंकि नेक्स्ट मुझे डालना यहाँ पे स्किन के साथ है,
और यहाँ पे स्किन कलर का धागा दोबारा ज्वाइन कर ले, या फिर ये करे कि इसको बनाते बनाते साथ साथ चले। वो कैसे कि आपने पहले 10 स्टिच तो इसके उठान इसके बनाने हैं पट्टी के लिए, 1 2 3, और ये धागा जो है ना ये साथ साथ आप ऐसे प्रो ले प्रोते ले जाए उधर, 3 के बाद ऐसे इसको धागे को मैंने ये देखे ये मैंने ऐसे किया ना ऐसे, ये धागा ना इसको मैंने इसके अंदर ऐसे रख दिया ठीक, फिर ये ऐसे प्रो लिया, 3 4 5 6 6 के फार फिर मैं ऐसे प्रो रही हूँ ताकि ये साथ साथ उधर आ जाए, 6 7 8 9 9 के बाद फिर ऐसे देखे ऐसे इसके साथ ना ऐसे प्रो हो जाएगा, ऐसे 9 ऐसे ओके ऐसे देखे 9 एंड 10, 10 तो मेरे पट्टी के हो गए देखे। अब ये मुझे एक उल्टा डालना है सेपरेशन का, और ये 16 स्टिच फिर मुझे सीधे डालने हैं, 16 1 15 एंड 16, दोबारा काउंट कर लेते हैं ओके। ये देखिए ये मेरा एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 16, फिर धागा आगे एक मैंने उल्टा डाला ओके। अब मुझे बाकी जो सारे हैं इस धागे को लेके सीधे सीधे बना लेने हैं, क्योंकि यहाँ से मेरा ये बॉर्डर एक दफ़ा ये ऐसे चल रहा है। अब इस ये वाला मेरा धागा इधर ही रह गया, इसको मैं पूरा सीधा सीधा डाल के ये सारा ऐसे सीधा बनाने के बाद फिर ऐसे वापस आऊँगी जी। ये मैं यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ ठीक है, ओनली मेरे ये 2 स्टिच रह गए, ये मैंने 2 बना लिए। लेकिन अब इसके आगे मुझे ब्लू ही बनाना है, यह इसको मैं इधर करके आऊँगी, ये धागा पकड़ूंगी ओके ये धागा, और इसको अब मैं पीछे कर लूँगी ठीक। करने के बाद ये मैं एक मेरा यहाँ से सीधा बनेगा, फिर बाकी मैंने 16 स्टिचेस उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 13 14 15 एंड 16, 16 बनाने के बाद धागा पीछे और एक मैंने सीधा बना लिया ओके। बाकी फिर मेरे 1 2 3 8 9 10 मेरे बटन पट्टी के हैं। अब मैंने आपको जो चीज़ बतानी है कि मैंने ये पूरा पैनल बना के उधेड़ा, वो कैसे कि मैंने ये डिज़ाइन डाला, डिज़ाइन डालने के बाद मैं इसको बनाती चली गई, जब ये इतना बड़ा हो गया तो इसने किया डिज़ाइन ऐसे हो गया और ये चीज़ गैदर हो रही थी तो ये ऐसे ऊंची होगी दोनों साइडों पे, वो इतनी अजीब शेप का पैनल बना, बहुत ही वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसका हल निकाला, हल मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या निकाला। अगर तो आप फर्स्ट टाइम ये ऐसी कोई जैकेट बना रहे हो या तो आप सीधा सीधा बना भी सकते हो, लेकिन अगर आप ये पट्टी डिज़ाइन के साथ बना रहे हो तो उसका हल ये है, मैं आपको बताती हूँ। अब पहले तो हम यहाँ पे मैंने फिर ये किया कि हर 3 1 2 3 ये लाइन के बाद एक दफ़ा इसको एक्स्ट्रा बना लिया, यहीं से टर्न हो गई 3 दफ़ा बनाने के बाद, फिर मैं इधर से टर्न हो गई ये बनाने के बाद, फिर जब 3 दफ़ा ये बनाया तो फिर मैं फिर वापस उधर से टर्न हो गई, इस तरह हर 3 यानी कि हर 6 काले 7 सिलाई के बाद मेरे ख्याल में एक एक ये नीडल आ दोनों साइडों पे एक एक एक्स्ट्रा स्लाइड लड़ी। पता नहीं आपको समझ आ रही कि नहीं, मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं आपको इसमें बताती हूँ, मैं काउंट भी करती हूँ कितनी सिलाइयों के बाद। अभी तो हम यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे ठीक, बटन होल बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ बटन होल मैंने बनाया, वाह 1 2 3 4 5 के बाद मैंने धागा आगे किया और 2 को इकट्ठा बना लिया ठीक, इस तरह ये एक जाली सा बटन होल बन गया 5, फिर मेरे ये ऐसे ये मेरे 1 2 3 4 5 10 हो गए। अब ये मेरा एक पार्टीशन के लिए मैं उल्टा बनाती हूँ ठीक। अब जब ये मैंने बना लिया फिर मैं यहीं से वापस आ गई, यहीं से मैं वापस आ गई, ये मैं आपको बात समझाना चाह रही थी कि हर 3 1 2 3 जब ये लाइनें हो जाती ना 1 2 3 उसके बाद मैं एक एक एक्स्ट्रा डालती थी, ये मैंने ऐसे इसको
ये बनाने के बाद इसको सीधा ऐसे उठाया और ये बनाना शुरू होगी। इस तरह ये डिज़ाइन के साथ साथ चला, थोड़ा सा और जाएगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आप पे क्लियर नहीं होता तो आप ये डिज़ाइन डाल ले ना, बस सीधा सीधा बना ले, इतना आसानी आपकी। अब फिर यहीं से मैंने दोबारा 10 स्टिच पट्टी के उठाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाला जो है मेरा उल्टा बनेगा पार्टिशनिंग वाला। ठीक, अब हमने डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन में ये है कि पहले चार तो आप सीधे सीधे वैसे ही बना ले, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए वो एक्स्ट्रा एक लगा लेकिन यहाँ पता नहीं चला। ठीक, लेकिन वो डिज़ाइन के साथ बैलेंस हो जाएगा। 4 बनाने के बाद मैंने 4 स्टिच ऐसे उठाए पीछे से, पीछे से मैंने 2 स्टिचों को ऐसे पिक किया, ऐसे पिक करने के बाद इसको हल्के हाथ लीप करने के बाद इसको क्रॉस कर लिया ऐसे। ठीक, ऐसे केबल की तरह। फिर मैंने इन 2 को, इन 4 को बना लिया, 4 मैंने बना लिए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 4 पिक किए, इस तब मैंने फ्रंट से, पहले मैंने लास्ट से 2 उठाए थे, इस दफा ये फ्रंट से पिक कर रही हूँ। फ्रंट से पिक करने के बाद फिर इसको उतार के अब ये मैं पीछे से उठा के ऐसे ले आऊँगी और ये 4 बना लूँगी। ठीक, ये मेरी एक एक क्रॉस हो गया, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, फिर बाकी 4 जो मैंने वैसे ही बनाने हैं, 2, 3 एंड 4। ओके, और ये मेरा एक उल्टा, और ये वाली अब सिलाई मेरी है ब्लू डालनी है, ये ब्लू, अगली 2 सिलाइयाँ मेरी ब्लू होंगी जी। ये मैं उल्टी डालती हुई यहाँ तक आ गई हूँ, सारे सीधी सीधी। अब ये 2 मैंने स्टिच बनाए, अब जब गौर से देखें, अब पहले तो मैं इसी से वापस आ गई थी ना, ये सिर्फ पोर्शन, अब मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगी, यानी कि एक दफ़ा इधर से आप आओगे और फिर ये डिज़ाइन के बाद एक दफ़ा इधर जाओगे, दोनों साइडों पे ये गैदर स्टिच फिर बड़ा होता जाएगा और डिज़ाइन को बैलेंस करेगा। ये देखें, अब मैं इधर से इसको मैंने उल्टा उठा के ये फिर उल्टा उठाने के बाद अब मुझे क्रीम कलर का धागा लगाना है। ठीक, ये तो इसके साथ गैप का था ना, ये मैंने ऐसे उठा लिया, अब मैंने स्किन कलर का जो धागा है उसको उठाया और ऐसे इसको सीधा बनाना शुरू कर दिया। ठीक, अब मैं ये सारा इस तरह सीधा सीधा बना के और ये भी सीधा सीधा बना के यहाँ तक आती हूँ, ये मैं सीधे सीधे बनाते नीट करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक, अब मैं धागा कर लूँगी इधर और यहाँ से फिर मुझे इस धागे को लेके चलना है, ये मेरा सीधा आएगा, ये मैं सीधा बनाऊँगी। ठीक, और करने के बाद ये मेरे 16 जो स्टिच हैं वो उल्टे बनेंगे, ये डिज़ाइन हमेशा यहाँ उल्टा हो जाना है। ओके, 16 स्टिचेस में सारे ये मेरे हो गए और ये मेरा एक साइड का सीधा आएगा और बाकी मेरे सीधे सीधे बटन पट्टी के 10 बटन पट्टी के सीधे सीधे बन जाएंगे जी। अब मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ ये कि मैंने एक साइड इस डिज़ाइन की एक साइड यहाँ से एक्स्ट्रा एक दफ़ा रिपीट करके डाल ली, एक साइड इधर डाल ली, मिडल को मैंने नहीं किया। ठीक, अब एक कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हमने काउंट शुरू करना है, फिर मैं बताती हूँ कितनी सिलाइयों के बाद हम दोबारा उसी तरह यहीं से वापस आ जाएंगे और यहीं से वापस जाके रिपीट करेंगे इसको। अब पहली सिलाई आप डालते हो, ठीक है, ये 1 मैं रो काउंट कर रही हूँ, 1, ये 10 मैंने वैसे ही डाले उसी तरह, एक मेरा उल्टा आएगा। अब ये हमने करना है, पिछली दफ़ा मैंने ये 4 वैसे बना लिए थे ना, अब मैंने 2 ऐसे ही बना लेने, 2 ऐसे ही बनाने के बाद अब ये वाले 4 उठाने हैं। ठीक, 2 मैंने ये केबल के 2 ये ले लिए
और दो इधर से ऐड कर लिए। लेने के बाद पहले वाला मैंने पीछे से ऐसे बैक से दो उठाऊंगी, इस सिलाई में डालूंगी और आहिस्ता से छोड़ूंगी और इसको दोबारा पिक कर लूंगी। ठीक करने के बाद इसको वापस करने के बाद इसको फिर चारों को बना लूंगी। अब केबल ऐसे बनी है कि दो उसने इधर से लिए हैं, दो उधर से लिए हैं। ठीक ओके, अब मिडल के ये चार मैं वैसे ही बनाऊंगी, 1, 2, 3 एंड 4 वैसे ही बन गए। ओके अब फिर मैंने ये चार अगले चार पिक किए, अब फिर इधर दो रह गए ना, दो फ्रंट में रह गए। अब मैंने फ्रंट से पिक करने हैं, फ्रंट से पिक किया, इनको लीव किया, इनको दोबारा वापस उसी तरह उठा लिया। ऐसे करने के बाद इसको केबल इनको बनाया चारों को। ओके चार बना लिए और ये मेरे दो ऐसे ही हो गए। ओके अब ये मेरा एक उल्टा। अब इस दफ़ा मैंने ब्लू से ही डालनी है दो सिलाइयाँ, तो मैं ब्लू को ही डालूंगी और ये यहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई डालने के बाद सेकंड रो इसी तरह यहाँ तक सीधी सीधी ये 16 में उल्टे और फिर ये सीधे सीधे सेकंड रो कंप्लीट करती हूँ। ठीक शुरू होने लगी है थर्ड रो। थर्ड रो में पट्टी तो वैसे ही डलेगी, ये और ये मेरा एक उल्टा आ गया। अब हमने ये करना है कि ये पहले चार इन चारों को ट्विस्ट कर लेना है। ओके इसमें फिर वो पहले दो को मैं पीछे से ऐसे पिक करूंगी, इसको लीव करूंगी, वापस पिक करूंगी ऐसे और इन चार को बना लूंगी और मिडल के जो आठ है वो मैं ऐसे ही सीधे सीधे बना लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मैं ऐसे ही बना लूंगी। ठीक और इन चारों को भी एंड की जो चौर है मैं ऐसे पिक करूंगी, इन इस दफ़ा इसको फ्रंट से पिक करूंगी, लीव करूंगी, बैक से दोबारा पिक करूंगी और ऐसे लाके ट्विस्ट हो जाएगा। ओके ये ऐसे और ये हो गया मेरा उल्टा। ये मेरी थर्ड तीसरी रो, अब मैं जो काउंट कर रही हूँ ना ताकि तीसरी रो है। अब यहाँ मुझे स्किन कलर के धागे को लेना, यहीं से मैं ये स्किन को पिक करके इसके साथ शुरू कर दूंगी। ओके ये सारा अब इसी तरह मैं सीधा सीधा बना के जो फोर्थ रो है वो भी मैं ये सीधी बनाऊंगी यहाँ तक, और यहाँ मैं 16 स्टिचेस इसी ब्लू धागे से उल्टे ही बनाऊंगी, पर्ल ही करूंगी और ये भी सीधे पट्टी के बना के फोर्थ अपनी रो ख़त्म करती हूँ। अब हम फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। ये तो मैं ऐसे ही डालूंगी बनाऊंगी 10 पट्टी के, 1, 2, 7, 8, 9, 10 मेरे पट्टी के हो गए ये। ठीक अब आप देखो कि ये क्रॉस क्रॉस करते हुए ये दो दो स्टिच ऐसे हो गए हैं। अब हमने फिर पहले की तरह पैटर्न रिपीट करना है। वो कैसे है कि मैंने चार वैसे ही बना लेने हैं, 1, 2, 3, 4 बना लिए और जो ये वाले चार हैं इनको पिक करूंगी, पीछे से उठाऊंगी ऐसे दोबारा क्रॉस करने के बाद ये बना लूंगी। ठीक और इसी तरह ये मैं 4 करूंगी, फ्रंट से पिक करूंगी, लीव करूंगी, दोबारा पिक करूंगी और इसके इस बना लूंगी। और ये चार मेरे वैसे ही बने गए, 4 फ्रंट इस साइड पे बने थे, 4 ये बन गए हैं, 2, 3, 4 ये एक पार्टिशनिंग का उल्टा। और यहाँ से फिर मैं सीधा फिफ्थ सिलाई पूरी सीधी डालने के बाद 6 भी मैं उसी डालू जी। ये मेरी 6 रो ख़त्म हो गई। अब ये देखें, अब फिर मैं जब 7th रो यहाँ स्टार्ट करने लगी हूँ तो फिर मुझे एक एक्स्ट्रा स्टाइल डालनी है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ऐसे 2, 3, 8, 9, 10 करने के बाद इसको मैंने ये उल्टा बना लिया। एक बनाने के बाद यहीं से मैं वापस आ जाऊँगी, यहीं से मैं उल्टा लूँगी, एक एक्स्ट्रा स्टाइल डालूँगी। ठीक इसको ऐसे ही पिक करने के बाद ये मैं
ये बना लूंगी पट्टी को दोबारा यहीं से। अब फिर यहीं ये साइड एक दफा एक्स्ट्रा बन गई, ये रह गई है। अब डिजाइन डाल के ये भी एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब हमने रो काउंट नहीं करनी, जब पूरा हमारा हो जाएगा फिर हम करेंगे रो काउंट। ये अभी ऐसे ही बनाते हुए ये उल्टा जी। अब मुझे डिज़ाइन, अब पहली दफ़ा मैंने फोर यहाँ छोड़े थे, अब टू, यानी कि ये मिडल से केबल शुरू होती है और इधर को बाहर को आती है। यहाँ दो मैंने इसके ले लिए, दो इसके पिक करने के बाद उसी तरह मैंने इस केबल को एक दूसरे ऐसे ट्विस्ट किया और ये बना लिया। ओके, अब ये फिर इधर को आना शुरू हो गई है। ओके, इसी तरह ये मिडल से ऐसे क्रॉस होना शुरू होता है, एक इधर को और एक इधर को आ जाता है, यही इसका मेन पैटर्न है। और ये मिडल वाले फिर फोर, वन टू थ्री फोर। ओके, अगर आपने इससे पहले कभी केबल नहीं डाली तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये पहले सेपरेट केबल बनाना सीख लें, ठीक है, फिर इस शुरू करें स्वेटर को। ये ऐसे इसको टू पर को पिक किया, ऐसे कि ऐसे। ओके, ये दो मैं ऐसे ही बना लूंगी और ये हमारा उल्टा। और यहां से मुझे क्रीम कलर के धागे को लेके चलना है, जो कि सरा लास्ट रो है, फाइव रो बनती है, वन टू थ्री फोर, किन कलर की रो चलेगी। अब मैं इसको लेके चलूंगी। अब मैं इसको सीधा सीधा बना के वापस जब यहाँ आऊँगी फिर यहीं से मैं वापस चली जाऊँगी, क्योंकि मैं फ्रंट पे एक दफ़ा एक एक्स्ट्रा सिलाई डाल चुकी हूँ तो यहाँ भी मुझे एक एक्स्ट्रा डालनी है। ओके, ये मैं उल्टी सिलाई, उल्टी रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाती यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक, जब मैं यहाँ तक आई हूँ और ये वाला मुझे एक सीधा बनाना है, ये सॉरी, इसको धागे को पीछे ले जाके मैं एक सीधा बनाऊँगी। ठीक, बना लिया। अब मैं यहीं से वापस आऊँगी, यहीं से मैं धागे को इसको, ये अब इसका कोई काम नहीं रहा, ये मैंने जितनी डालनी थी डालनी, ये मैं कट कर देती हूँ जो बाद में मैं परो दूंगी। ठीक, अब इधर से जब मैं ऐसे वापस आऊँगी, ये भी धागा इसके अंदर चला, चलो जब मैं इधर से ही वापस आऊँगी इसको मैं ऐसे, सॉरी, ऐसे उल्टा ही उठा के पीछे लेके जाऊँगी और फिर मैं ये सीधी सीधी बनाते बनाते, ओके, और यहाँ भी सारा यहाँ सीधा बनाऊंगी और इतने पोर्शन जो 16 स्टिच में उल्टे बनाऊंगी और फिर बाकी भी सीधा बनाऊंगी और ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इस तरह एक दफ़ा यहाँ से जाके यहाँ टर्न हुए, फिर मैं सीधी बनाती गई, बनाने के बाद जब मैं वापस आई तो फिर मैं यहीं से वापस चली गई करने के बाद, फिर मैं ऐसे इस तरह ये दोनों साइडों से एक एक एक्स्ट्रा होगी और ये मिडल वाला पोर्शन एक नहीं बना बड़ा, उसका तब ये बराबर आया। मेरे से वैसे गलती हो गई, जो मैंने पोर्शन बहुत इतना सा बना लिया था जो तकरीबन एक, तो वो मैं मुझे रखना चाहिए था, मैंने उसी को उधेड़ के दोबारा यहीं से स्टार्ट ले लिया। तो मैं आपको दिखाती कि ये गैदर होके ऐसे हो गया था ऐसे, और ये हाँ से भी ऐसे, और ये इतने अजीब शेप की बनी हुई थी दरमियान में जो मैं एक पट्टी बना रही थी। ठीक है, ऐसे ये देखिए, अब ऐसे आएगा, ये बराबर बराबर ये नीचे से लेवल आएंगे तकरीबन जैकेट स्टाइल में। ओके, अब फिर हो गया एक दफ़ा, अब फिर मैं ये काउंट करना शुरू कर दूंगी, वन रो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स। जब सिक्स ख़त्म होने के बाद जब मैं सेवन स्टार्ट करने लगूंगी तो सेवन को मैं यहाँ तक बना के यहाँ से ही वापस ले जाऊँगी। ठीक, जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं अगला ये डिज़ाइन को बनाते बनाते ये सारा बना लूँगी। बनाने के बाद जब मैं उल्टी साइड पे आऊँगी, यहाँ से बनाते बनाते मैं जब यहाँ पहुँचूँगी तो यहीं से वापस हो जाऊँगी। ठीक, उसके बाद फिर जब हम पहुँच गए मैं इसको ऐसे पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद मैं सिक्स लाइनें और डालूँगी ये कंप्लीट करने के बाद। फिर जब मेरा इसी तरह ये दोनों साइडों से मैं बढ़ाती जाऊंगी और मिड वाला पोर्शन नहीं बढ़ेगा।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और मैं मुझे ये भी पता है कि इस दफ़ा बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि समझ नहीं आ रही है। मैं तो सभी ये कहती हूँ अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप इस डिज़ाइन को स्किप कर दें, उसकी जगह आप वैसे ही 58 बड़े बच्चे की बनानी है, 58 स्टिच डाल के बस सीधा सीधा ऐसे ये बॉर्डर यहाँ तक बना के ऐसे बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो इसको बना लें, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यही चीज़ मैं हुडी में डालूंगी तो अच्छा बनेगा ना। ये देखिए होगी मेरी 6 रो कंप्लीट होगी, अब 7 रो स्टार्ट होने लगी है। अब 7 पे फिर मुझे यहाँ से ही यहाँ रिटर्न होना है, ओके। इसको मैं 10 को ये 1, 2, 9, 10 बनाने के बाद धागा आगे करूँगी, ये मेरा जो उल्टे वाला है ये भी बना लूँगी और यहीं से मैं ऐसे वापस हो जाऊँगी, ठीक। अब गौर से देखें उल्टे वाले को, अब धागे इधर नहीं लेके आना, उल्टा यहाँ सीधा हो गया ना, इसको बस ऐसे ही पिक कर ले। करने के बाद फिर मेरे 10 वही बटन पट्टी के 1, 2, 8, 9 एंड 10, ओके। बटन पट्टी हमारी एक एक्स्ट्रा स्लाइड डल चुकी है। अब इसको हम डिज़ाइन के बाद तक डिज़ाइन तक बना पूरा, अब मैं पूरी रो ऐसे बनाऊंगी, ठीक। मैं बनाते बनाते रॉन्ग साइड यहाँ तक आ गई हूँ, जब मैंने ये इसका सीधा पार्टीशनिंग का बना लिया तो यहीं से मैं वापस हो गई, यहीं से वापस हो के ये वाला मैंने उल्टा ही उठाना है। उठाने के बाद धागा मैं पीछे लेके आऊंगी, इस तरह करोगे ना तो यहाँ होल नहीं पड़ते ना, फील भी नहीं होता। ये देखिए कि कोई एक्स्ट्रा स्टाई डाली हुई है ऐसे सीधी। अब मैं ये फिर सीधी सीधी सारी बनाती जाऊंगी और फिर ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के पैटर्न के 16 उल्टे बना के यहाँ तक ख़त्म कर दूंगी। इस तरह हमारी दोनों तरफ से एक एक सिलाई बढ़ जाएगी और ये इसके बराबर आ रहा है जी। ये मैंने ये देखें यहाँ से इसी तरह बनाते बनाते यहाँ तक बना लिया, और इस दौरान मैंने जी और इन बिटवीन मुझे एवरी 17 टाइम जब ये मेरी रिज हो गई, ये जो गार्टर स्टिच बन गया, तो मैंने एक एक होल बना लिया। जैसे मैं काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 टाइम के बाद, ओके। और मेरे 1, 2, 3, 4 अभी बने हैं, यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और इसकी लेंथ कितनी होगी है, इसकी लेंथ यहाँ से 13 इंच 13 इंच तक तकरीबन ये तैयार बन गई है। इस तरह मैंने ये भी पहले आपको जैसे पैनल बनाया हुआ था, मेरे 2 पैनल ऐसे रेडी हो गए हैं। ये देखें ये मेरे ऐसे यहाँ बटन लगेंगे इधर जैकेट के, और ये मेरे ऐसे पैनल रेडी हो गए हैं, ठीक। और ये मेरा फ्रंट पैनल 2 रेडी है। इसी तरह मैंने बैक का पैनल बनाया हुआ था, बैक मैंने कुछ भी नहीं किया, बैक मैंने सिर्फ सादा 100 मैंने 100 बैक पे मैंने 100 स्टिच डाले हैं। ये देखें डालने के बाद उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 टाइम, तो ये मैंने साथ में स्किन कलर ऐड किया और बाकी मैं सादा सीधी स्टिच बनाते आ गई हूँ यहाँ तक, सारा कुछ भी नहीं। और उसी सेम लेंथ पे जितनी लेंथ इसकी है उसी लेंथ तक मैं इनको 13 इंच तक बना चुकी हूँ, ये ओके 13 इंच। अब ये मेरा फ्रंट बैक को फाइनल हो गया, सीधा यहाँ तक बना। और अब रह गए स्लीव्स का मैंने ये किया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स भी मैंने बिल्कुल सादा बनाए हैं, स्लीव्स के लिए कि मैंने 46 स्टिच लिए, 4, 6 लेने के बाद ये इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 बॉर्डर जब बना लिया, यहाँ मैंने 7 टाइम रिपीट किया है। स्लीव्स थोड़े से मैंने चौड़े रखे हैं, ठीक, इसकी निस्बत ये 5 टाइम रिपीट था, 1, 2, 3, 4, 5 और स्लीव 7 टाइम है, ओके। जब 5 टाइम मैंने बॉर्डर इसका पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने दोनों साइडों से एक एक बढ़ा दिया, ठीक। इस तरह ही बढ़ाती मैं कैसे चली गई, ये देखें ये मैंने 46 स्लीव्स के बनाए। जब मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक, यहाँ तक तो मैंने यहाँ 1 के 2 स्टिच कर दिए, ठीक।
जब मैंने दो स्टिच कर दिए तो इसको मैं काउंट नहीं करूँगी। उसके बाद ये मेरी रॉन्ग, ये मैंने सीधी साइड से किए थे फ्रंट साइड से, तो ये हो गए। इसके बाद ये मेरी रॉन्ग साइड स्टार्ट हुई वन, ठीक। फिर मैं टू पे आ गई कुछ भी बढ़ाए बगैर। फिर मैंने थर्ड सिलाई शुरू कर दी कुछ भी बढ़ाए बगैर। फिर मैंने फोर्थ शुरू कर दी कुछ भी बढ़ाए बगैर। फिर मैंने फिफ्थ शुरू कर दी कुछ नहीं बढ़ाया। फिर मेरी सिक्स शुरू होगी मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। फिर इसी तरह जब मेरी सेवन शुरू होगी कुछ नहीं मैंने बढ़ाया। अब जब मेरी एट शुरू होने लगी थी तो फिर मैंने यहाँ पे एक के दो कर दिए ये एट सिलाई पे, ठीक। हर सेवन सिलाई इस एक के बाद इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, फिर मैं सेवन सिलाइयाँ डालूंगी, फिर एट पे इसको दोबारा बढ़ा दूंगी। इस तरह वैसे यूजली मैं सिक्स सिलाई पे बढ़ाती हूँ, लेकिन ये जो स्टिच है ना ये ऐसे इकट्ठा होता है, तो इसके लिए फिर मुझे एक सिलाई और दो सिलाइयाँ और डालनी पड़ी, वरना ये बाजू बहुत खुला और शेपलेस हो जाना था। यहाँ तक इतना मैंने चौड़ा, यहाँ जब है ना यहाँ पे ये इतने बड़े हैं तो ये 76 हो चुके हैं ऊपर, ये 76 तक ऊपर बढ़ चुके हैं। ये मैंने तकरीबन ये मेरा 14 इंच तकरीबन नियरली 14 इंच तक, एक इंच एक्स्ट्रा मैंने लेंथ की है। अगर तो आपके बच्चे की बाजू ज़्यादा लंबी है, उसकी हाइट भी लंबी है, तो आप फिर ऐसा कीजिएगा कि यहाँ से भी बढ़ा लें और बाजू भी बढ़ा लें, ठीक। अगर आप यहाँ से दो इंच बढ़ाते हो तो बाजू भी दो इंच कर लें, अगर एक इंच करते हो तो एक, अगर छोटी है अगर कम करना है तो उसी तरह आप इसको इस तरह कर लें, ठीक। अब मैंने बाजू भी इसी तरह दोनों बना के रखे हुए हैं, ये मेरे दोनों बाजू बने हुए हैं, ओके। ये दो मेरे बाजू मैंने इस तरह, अब अगला मरला मुझे इनको ज्वाइन करना है। ये मेरी बैक साइड है, तो इसके साथ मैंने एक बाजू जोड़ लिया, ठीक, उसी सिलाई में डाल लिया, ठीक। अब यहीं से मैं इसका एक फ्रंट पैनल सारा वो कौन सा आएगा, ये इस बटन वाला, ये इसी सिलाई में डाल देती हूँ, ठीक, ऐसे ये डाल लूँगी। और बैक के साथ फिर मैं एक दूसरा स्लीव्स ऐड कर लूँगी, ये साथ इसके ये मैं स्लीव ऐड करती हूँ ये, और इस स्लीव के साथ भी मैं सेकंड मेरा वो जो पैनल है वो करती हूँ, ठीक। इन सारों को मैं एक में ही डाल लेती हूँ जी। ये देखें ये मैंने सारे एक सिलाई में प्रो लिए हैं, ये मेरा पैनल, फिर स्लीव्स इसके साथ जुड़ गई ऐसे, उसके बाद बैक का, फिर ये स्लीव जुड़ गई और ये बैक, ये फ्रंट सेकंड पैनल, ओके। ये सारे एक सिलाई में मैंने प्रो लिए हैं। अब दो सिलाइयाँ यहाँ से सीधी बनाते बनाते और फिर वापस सीधी बनाते बनाते दो सिलाइयाँ, तो मैं इनको आपस में सिर्फ ज्वाइन करूँगी, ठीक, ऐसे ज्वाइन करूँगी, फिर नेक्स्ट सिलाई से हम कटिंग शुरू कर देंगे। अब हमने ये करना है, जैसे मैंने आपको बताया था इस डिज़ाइन को जब एवरी में ये सेवन्थ मेरे ख्याल सिलाई में मैंने कटाया था, आपको यहीं पे रिटर्न होता होता है। अब मैं ऐसे वन ये बॉर्डर के मैंने 10 डाल लिए हैं, सॉरी बटन पट्टी के, और साथ में एक इस डिज़ाइन का ऐसे उल्टा, ओके। अब मुझे यहीं से वापस आना है क्योंकि ये पट्टी वरना फिर वो फिर खिंची खिंची हो जाएगी, और दोनों साइडों से। अब डालने के बाद इस पट्टी को मैंने ऐसे बनाया, अब यहीं से फिर वापस मैं उसको ज्वाइन कर पूरी बनाऊंगी।
और यहाँ से हमने डिज़ाइन लेके चलना है। लेकिन इस दौरान आप ये ख्याल रखें कि मुझे एवरी 17 के बाद यहाँ बटन होल भी बनाना है। अब यहाँ से ये देखिए डिज़ाइन को मैं यहाँ तक आई हुई हूँ ये ट्विस्ट के। अब बैक को मैं ऐसे ट्विस्ट करूँगी, ये करूँ एंड पे। अब दरमियान वाले सारे जो 8 स्टिच हैं वो मैं सीधे ही डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डाल के अब फिर इस डिज़ाइन को चारों को मुझे ट्विस्ट करना है। इस दफ़ा मुझे फ्रंट से करना है। और ये एक उल्टा। अब ये सारे मैं सीधे सीधे यहाँ तक बनाऊंगी। ओके ये देखें ये वाले अब हमारे यहाँ, ये वाले 3 इसके हैं और ये बाजू के हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये 3 इसके हैं। अब हम ये करेंगे कि मैं अभी एक इसमें बना के इन दो को मैं इस तरह बैक से इकट्ठा बना दूंगी। यह हमारा एक कम हो गया और एक मुझे इधर स्लीव से कम करना है ऐसे। हमारे अब ये फ्रंट पैनल का एक काम हो गया, एक हमारा स्लीव का काम हो गया। बाकी मैं इसी तरह सीधा सीधा बनाऊंगी। इस तरह बनाते बनाते जब मैं यहाँ आऊंगी, ये मेरे बैक है और ये स्लीव्स है। यहाँ 2 का एक कर दूंगी और इधर से भी 2 कर दूंगी। हर जॉइंट पे मुझे दोनों तरफ से एक एक काम करना है, यहाँ काम हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये बैक पैनल फिर उसी तरह सीधा सीधा चलेगा। चलते चलते ये बैक पैनल फिर यहाँ स्लीव पे ज्वाइन है, यहाँ फिर यहाँ स्लीव पे ज्वाइन है। फिर आप ऐसा करेंगे, यहाँ 2 का एक कर देंगे, यहाँ 2 का एक कर देंगे। फिर आप सीधा 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 निट करते करते जब यहाँ पे आएंगे तो ये स्लीव जो है ना ये फ्रंट पैनल के साथ फिर अटैच है। ठीक, आप फिर इन दोनों को 2 का एक कर देंगे, यहाँ 2 का एक कर देंगे। करके जब आप सीधा सीधा बनाते बनाते यहाँ तक आएंगे फिर आपने ये पोर्शन नहीं बनाना। ठीक, अब यहीं से वापस आ जाए, यहीं से आप उल्टा सारा बनाते 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 फिर हमने ये सारा, इस दफा कम नहीं करने, आपने यहां तक आना है ये जो फ्रंट का डिजाइन है, क्योंकि ये एक एक दफा एक्स्ट्रा बन चुका है। ये हमने ये वाली चीज एक दफा एक्स्ट्रा बनानी है। फिर आप यहीं से रिटर्न होते 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 फिर उसी तरह हर सीधी साइड पे यहाँ जब जॉइंट पाएंगे तो हमने एक एक कट करना है। ठीक है, करते करते जब फिर हम यहाँ फ्रंट वाले पे इस दफ़ा जब आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमने इसको कट्ठे साथ ही बना लेना है। जब हम साथ बना लेंगे, बनाने के बाद जब मैं उल्टी सिलाई पे आऊँगी फिर मैं सिर्फ यहाँ से बनाऊँगी, फिर यहीं मैं पलट जाऊँगी। पलटने के बाद फिर मैं पूरी सिलाई उसी तरह यहाँ करने के बाद वापस आऊँगी, फिर मैं सीधा बनाने के बाद जब आऊँगी फिर मैं सारा ऐसे उल्टा बनाऊँगी। इस तरह दोनों साइडों से इस डिज़ाइन को निकट हम बनाएंगे, बाकी हमारे दोनों तरफ से हो जाएंगी। आई नो लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, मैं जानती हूँ। तो चले क्या करूँ, जब मैं डिज़ाइन बनाती हूँ तो फिर बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशन समटाइम मुझे भी समझ आती हैं कि ये क्या हो गया है। जैसे मैंने अब मैं आप क्लियर करती हूँ, ये 2 फ्रंट डिज़ाइन, डिज़ाइन फ्रंट, ओके, बाजू बैक, बाजू ये, ठीक। आपने ये बनाया, ये बनाने के बाद वापस आए, फिर ऐसे बनाया, फिर डिज़ाइन को बनाते बनाते चले गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ बनाया, फिर डिज़ाइन से पहले वापस आ गए, फिर बनाया, फिर इस तरह किया, ये बनाया, फिर यहाँ से वापस गए करने के बाद, फिर इसको बनाया, बनाने के बाद ये ऐसे किया और ये सारा बना लिया, बनाने के बाद फिर ऐसे ये चलेगा, फिर ये दोबारा सारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
जी ये देखिए, मैं इसी तरह ये इन जॉइंट से दोनों साइडों से एक एक काम करते करते इधर काम किया, ये मेरा स्लीव्स है, ये काम हुए, और इसी तरह ये सेकंड यहाँ तक बना लिए हैं। ये मैंने 15, ये मेरे 15 टाइम ये काम हो चुके हैं, जो कि मैं काउंट करती हूँ आपके सामने। ऐसे यहाँ से ये काम होना शुरू हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, यहाँ तक 15 हो चुके हैं। और अब इस सिलाई में ये मैंने 16 वाला काम करना है। उस दौरान मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कैसे एक एक्स्ट्रा डलता है। और यहाँ एवरी 7 सिलाई के बाद मैंने एक दफ़ा ये एक्स्ट्रा बनाया, ये एक्स्ट्रा नहीं बनाया, ये सारे एक्स्ट्रा बनाए, वो आपको मैं अब दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए। लेकिन अब जो है ना, ये मेरी ऑलमोस्ट यहाँ से लेंथ पूरी हो चुकी है, और यहाँ नेक की कटाई होनी है, लेकिन मुझे एक बटन भी लगाना था ऊपर। लेकिन इनका दोनों का डिफरेंस देखे कितना कम हो रहा है। यही डिफरेंस होता है जब आप साथ साथ पट्टी बनाते हो, क्योंकि बाजार में तो ये करते हैं, वो बाद में कट करते हैं और चाक बना देते हैं, ठीक है। या आप आपके पास पहले का कोई बिल्कुल सैंपल हो तब भी ठीक हो जाती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हो तो इस तरह ये थोड़ा सा एरर आ जाता है कि आप बटन होल पट्टी कितने कितने डिफरेंस पे बनाए, ठीक। ये मैंने एवरी 2 के दरमियान 17 टाइम डिफरेंस पे बनाई है, लेकिन अगर मैं 16 टाइम बनाती तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंस इक्वल होना था। आप लोगों को मैं रिकमेंड यही करूँगी, अगर आप सेम लेंथ के साथ ये बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे फिर एवरी 16 के बाद ये बटन होल बनाना है। जैसे ये एक रिज पहले, हर एक में जब एक एक का डिफरेंस आएगा तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, इसीलिए मैं अक्सर नई चीज़ पे ट्राई करती हूँ कि मैं ये पट्टी सेपरेट बनाऊँ बाद में। जब दोनों की पट्टी बनती है तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ कहाँ बटन होल बनाऊँ, ठीक। 7, 8, 9, 10, 10 के बाद ये जो एक पार्टिशनिंग वाला होता है ये भी 11, इससे फिर ना वो होल नहीं प्रोमिनेंट होता जब हम बनाते हैं ना। फिर यहीं से मैं रिटर्न हुई, खाने ज़्यादा थे ये निकल गया है। रिटर्न होने के बाद मैंने ये जो रॉन्ग वाला, ये मैंने ऐसे ही उठाने के बाद उल्टे को धागा पीछे किया और ये बना लिए। इस तरह ये एक पट्टी के भी मेरी एक्स्ट्रा रिज सी बन गई ना, दो सिलाइयाँ हो गई। और सिर्फ डिज़ाइन नहीं हुआ, बाकी सारे की दो सिलाइयाँ एक्स्ट्रा हो गई हैं ना। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने यहाँ तक हमारे मेरे ख्याल में एवरी राइट साइड पे, अब ये मैं सारी उल्टी साइड पे हूँ ना, तो मैं ये सारा सीधा सीधा बना डिज़ाइन वाले के साथ सारा सीधा सीधा बनाते चली आऊँगी। जहाँ डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के तो उल्टे बनेंगे ही। एक सिलाई, दो सिलाई, तीन, जब मैं 3 सिलाई और डाल लूँगी तो फिर मुझे गले की कटाई भी शुरू करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में अब 17 तक कट हो गए हैं। फिर हम यहाँ से फिर हम नेक की कटाई भी करेंगे। और इन दोनों का देखिए डिफरेंस कम हो गया, कोई बात नहीं, आपने एवरी 16 के बाद करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। जी मैंने आपको ये बताना है कि मैं इसी तरह ये देखिए कम करते करते मैंने कितने टाइम कम कर लिया, आई थिंक ये 20 टाइम कम हो चुके हैं। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 21 टाइम मेरे यहाँ कट हो गए हैं। ये टोटल इस वक्त जो मैं कर चुकी हूँ वो 21 है, लेकिन मैंने जब मैं 19 पे आई थी, ये 19 मैंने 19 टाइम मेरे ये कट हुए थे, तो फिर जब मैंने स्टार्ट करने लगी तो मैंने ये पट्टी को पूरी को बंद कर लिया, फिर सारा बना लिया, फिर नेक्स्ट टाइम इसको 3 मैंने कट कर लिया, बना लिया, अब 2 कम करके नेट बना। इस तरह इस साइड पे भी ऐसे ही हुआ। अब ये करना है हमने, अब मैं ये 22 टाइम कर चुकी हूँ, तो अब के बाद 22 के बाद हमने ये करना है कि एवरी रॉन्ग साइड से भी, पहले तो हम सिर्फ फ्रंट साइड पे ये वाले कट करते थे ना ये, अब रॉन्ग साइड से भी करना है, फ्रंट और रॉन्ग दोनों साइड से करना है। उससे ये होगा कि गला ये जो ऊपर से बहुत खुला है तो इसके जो सारे स्टिचेस जल्दी से डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और गले की शेप अच्छी बनेगी, ठीक। अभी मैंने यहाँ पे
टू कम करने हैं, वन, ये वन एंड टू, ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, ठीक, बाकी मुझे ऐसे उल्टे बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सारे बनाने के बाद जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये मेरे आ रहे डिक्रीज करते हुए, दो इसके हैं दो इसके हैं, ये देखिए। अगर आपको ये यहाँ प्रॉब्लम होता है तो आप हर दफ़ा यहाँ पे एक मार्कर लगा सकते हो ना, तो उससे आपको फिर आसानी होगी, सहूलत होगी। वो मार्क कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इधर दो को कम कर लिया, फिर यहाँ मैंने टू को कम कर लिया, अब यहाँ तक मैं बनाती हूँ, फिर यहाँ हम कम करेंगे एक एक जी। ये मैं फिर यहाँ, फिर मुझे रॉन्ग साइड पे ही हर दफ़ा इसको, हर जो मैं ये जॉइंट है उस पर मुझे कट करना है। ये देखो मैंने एक कम किए, मार्क का मतलब ये है कि आप इस तरह का कोई भी धागा लेके उसको नोट कर लें और इसके अंदर परो लें, उससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर याद रहेगा कि यहाँ मुझे कट करना है। अगर आपको देख के पता नहीं चलता, मुझे वैसे देख के पता चल जाता है। ये देखो ऐसे मार्क, ऐसे जब मैं, अब मैं सारे इस साइड पे ये मेरे टू जॉइंट और हैं, इधर भी मैं कम करूँगी, इधर भी कम करते डाल आ लूँगी, फिर मैं नई सिलाई शुरू करूँगी तो मैं टू कम करूँगी, फिर इसी तरह, फिर जब मैं राइट पे आऊँगी फिर मुझे इसी तरह टू। अब रॉन्ग और राइट दोनों साइडों पे मुझे इस जॉइंट पे दो का एक बना देना है, दो का एक बना देना, ओके, ये दोनों साइडों पे एक एक, उससे ये जल्दी से डिक्रीज होंगे। और ये ऐसे जब ये मार्क रखने का मकसद ये है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इन दो को ऐसे कम करना है जी। ये देखें, ये मैं नेक को कम करते करते इतना, पहले मैंने पट्टी कम की, फिर मैंने थ्री टू टू वन 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 वन, फोर टाइम वन वन कम किए, इसी तरह मैंने इधर से भी थ्री टू टू वन 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 वन, फोर टाइम कम हो चुके हैं। अब ये ऑलमोस्ट मेरा जितना हुडी के लिए मुझे डीप चाहिए था, देखें वो ऑलमोस्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ से वाइड लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं इनको दो सिलाइयाँ और डाल के इसको बंद कर देती हूँ, दो सिलाइयों के बाद मैं थर्ड सिलाई पे इसको बंद करती हूँ, तो फिर देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, और ये भी ऐसे हो जाएगा, और यहाँ फिर हुडी अटैच हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में हम काउंट करेंगे यहाँ कितनी टाइम हमारा ये सिलाइयाँ गई हैं, ओके जी। मैंने दो सिलाइयाँ और डाल ली हैं, लेकिन इस दौरान मैंने यहाँ एक और कम कर दिया था, मुझे लगा था यहाँ एक और कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये हो गया थ्री टू टू वन 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 वन, फाइव टाइम वन टू थ्री फोर फाइव टाइम मैंने इसको वन वन कट किया। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, दो सिलाइयाँ मैंने और डाल के, डालने के बाद अब बंद करने लगी हूँ। बंद मैं कैसे करूँगी, वो ऐसे कि ये तो है, अब यहाँ देखो सीधी सिलाई पे, यहाँ पे इन दो पे कट आ रहा था, तो मैं इन दोनों को सीधा बनाऊंगी पहले, फिर इस तरह बंद करूँगी। अब ये दो को कट आ, दोनों का मुझे एक एक डिक्रीज करना था इसी तरह रूटीन में ना, ये देखिए जो कट आ रहा उसको ऐसे करने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। अब ये सारे बंद होते चले जाएंगे, और इसने ये देखें यहाँ भी, यहाँ भी इन दोनों ने आपस में ऐसे पहले एक बनना, फिर ऐसे इसको मैंने बंद कर देना, इसी तरह यहाँ इसे एंड तक आप इसकी ऐसे ऐसे शेप बनेगी ना उसकी, गले की, गले के लिए, ठीक है, वरना यहाँ से फैला हुआ एकदम एक एक स्टिच से फ़र्क पड़ जाता है। अब ये सारे इसी इसी तरह मैं ये करते करते ये जो मेरा ये है, अब इसको मैं दो को पहले बनाऊंगी फिर इसको बंद कर दूंगी, दो को बनाऊंगी बंद कर दूंगी, इसी तरह मैं ऐसे करूंगी और ये मेरा टोटल पूरा बंद हो जाएगा जी। ये देखें मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया
और ये मेरी ऐसे नेक हो गई और यहाँ हुडी अटैच हो गई। ये देखिए कितनी बैलेंसी नेक हुई है। अब मैं आपको एक दफ़ा इस पर ड्रॉ भी करके बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी नेक की कटिंग मैंने कैसे की। ये बटन पट्टी थी, ठीक, इसके 10 थे जो मैंने कट कर लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ऐसे आ रहा है, ठीक, और यहाँ से ये मेरा शोल्डर आ रहा है, ठीक। 10 कम किए, फिर मैंने 3 कम किए, फिर मैंने 2 कट किए, फिर 2 कट किए, फिर 1 1 1 1 5 1 2 3 4 5 3 2 2 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये सारे कट हो गए 5 times। ओके, 5 times मैंने ये कट किए। अब जब यहाँ पे मैं ये हर फ्रंट साइड पे जब मैं कटिंग करती करती जब मैं 19 पे पहुँची, 19 times मैंने ये कट कर लिए, तो मैंने ये बटन पट्टी को यहाँ से गले को कम करना शुरू कर दिया। फिर जब मैं 22 पे पहुँची, 22 तक मैंने किए, तो फिर मैंने हर फ्रंट और बैक पे कट करना शुरू कर दिया। पहले मैं सिर्फ फ्रंट साइड से इधर से कट करती थी, यहाँ सारों से कट करती थी सब पे। अब करते करते ये करीब होंगे, मेरे ख्याल में 30th पे बंद हो गया, ठीक, ये 30th पे बंद हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हम हुडी अटैच करेंगे जी। ये मैंने हुडी के लिए ये ऐसी 2 times रिपीट करके ये पैटर्न को ये इतना बनाया हुआ है। वो कैसे कि यहाँ मैंने 39 स्टिच लिए, 39 मैंने स्टिच लिए, 2 ये साइड के थे, 2 प्लस 16 में ये केबल पड़ती है, प्लस 16 केबल के प्लस ये 3 वाले इन बिटवीन गैप में आए, 3 गैप प्लस 16 की फिर केबल और प्लस 2, इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये 39 होते हैं। ओके, 39 मैंने स्टिच लेके उसी तरह जैसे मैंने आपको ये केबल बनाना शुरू में सिखाई है उसी तरह मैं ये बनाती चली गई। और ये कितने टाइम रिपीट हुई है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 times बस जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसकी भी 2 सिलाइयाँ डली हैं, ठीक है ना। और इसकी लेंथ भी मैं बता देती हूँ कितनी हो गई है। इसकी लेंथ अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये 15 inch लेंथ हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करने वाली हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। एक साइड इसकी हुडी की कंप्लीट कर ली है। ये देख, वो कैसे किया, मैंने यहाँ से सारे स्टिच उठाए हैं और इसको फिर बनाना शुरू कर दिया। अब दूसरी साइड मैं आपकी तरफ आपकी साथ बनाती हूँ, वो कैसे कि ये देखें, इस साइड से ये मैं, ये मैंने 62 स्टिचेस उठाए थे। एक मैंने एज का उठाया, एक यहाँ 2 3 हर एक में से 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह, ये जो है ना, ये जो एंड ऑफ में एक एक ऐसे उठाती जा रही हूँ। एंड पे हम देखते हैं, मेरे पास 62 स्टिचेस होने चाहिए क्योंकि इस साइड पे भी मेरे 62 थे। अगर एक आध कम या ज़्यादा हो गया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो आप इस तरह ही उठाते चले जाएं। ये मैंने सारे उठा लिए, ये एक्चुअली 61 हुए हैं, एक मेरा कम हो रहा है, तो मैं करूँगी यहाँ, मुझे ज़्यादा गैप लग रहा है स्टार्ट में, तो यहाँ मैं एक और इसका जब बनाऊँगी तो एंड पे डाल लूँगी। अभी तो मैं सिंपल इसको बनाना शुरू हो गई हूँ। 1 2 3 4 अब इसी तरह ये पूरी सिलाई डाल लें, 5 ऐसे। ये देखिए ये मैं बनाते बनाते यहाँ आ गई हूँ, यहाँ मेरे 59 हो गए, ये मेरे 60, अब ये 61, यहाँ से मैं एक और बना लेती हूँ। कैसे बनाऊँ कि ये होल नहीं फील हो, 61 ऐसे ठीक रहेगा, 61 और ये 62, ठीक है, ये मेरे यहाँ 62 हो गए।
अब मैं ये करूँगी कि ये ट्वेंटी दूसरा धागा ये वाला मैं स्किन कलर का ऐड कर रही हूँ। ठीक, 29 तक तो मैं ये बनाऊँगी सीधा सीधा, वन टू, इसको टाइट कर लो किधर के, टू थ्री फोर फाइव, 26, 27, 28, 29, ओके 29 मैंने ये बना लिए। अब इधर से भी हम 29 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, देख 29 यहाँ ये हैं। और ये दरमियान के जो फोर हैं मेरे, इनको मैंने ऐसे करना है, हर दफ़ा मिडल में मैंने यहाँ टू का वन, ये मैंने दो को एक बना लिया, ठीक ऐसे करके। और ये वाला, और यहाँ मैं एक धागा लिया, बस उसको ऐसे नोट करूँगी ताकि आपको हर दफ़ा वो याद रहे कि आपने इधर से दो दो कम करने हैं। ओके, यहाँ ये मैंने ऐसे इसके अंदर परो दिया, और फिर मैं यहाँ से दो और कम किए, और ये अब मेरे 29 है। 29 ये हुए, यहाँ से मैंने दो, यहाँ मिडल में जैसे ये मैंने कम किया ना, एक एक ऐसे कम करती चली जाऊँगी, तो ये लाइन ऐसे ही, फिर ये दूसरी बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है, इसमें उल्टी साइड पे मुझे कम नहीं करना, सीधी साइड पे कम करना है। जब एक एक के बाद धागा चेंज करूँगी और यहाँ जब आऊँगी तो मैं इसको एक एक कम कर लूँगी। जी ये देखें, मैंने वो सारी सप्लाई कंप्लीट करके नेक्स्ट रो मैं अब ये इस धागे से सीधी सीधी बना रही हूँ। अब फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगी ये मिडल में, ये देखें ये मार्क है दो, है ना, फिर इन दो का मैं एक कर लूँगी, ये मार्क है यहाँ पे, है दो का एक किया और अगलो दो का भी एक कर लिया। अगर तो आपको पता लगता है कि यहाँ दो हो रहा है, ठीक है, वरना आप इन दो के दरमियान फिर मार्क कर लें, ठीक ऐसे मार्क कर लें। और ये फिर अब इसी तरह बिलू से सीधा सीधा नीट नीट करते जाएं, यहाँ भी ऐसे ही नीट करते करते, यहाँ जब फिर स्किन कलर का फिर नेक्स्ट टाइम धागा होगा, फिर यहाँ पे टू टू कम, इस तरह आप ये सारा इस तरह बनाते चले जाएं, ठीक है ना। और ये हमारी हुडी की दूसरी साइड भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। जी ये मैंने, ये देखें सारा इस तरह बनाते बनाते यहाँ बंद कर लिया, और इस तरह मेरे ये दोनों तरफ हो गए थे। उसके बाद मैंने ऐसा किया कि ये जो ये इट पैटर्न की बैक साइड थी, यहाँ से मैंने स्टिच उठाने शुरू किए, उठाते 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 यहाँ तक ये सारे स्टिच उठाए, ये तकरीबन 100 मेरे 100 स्टिच उठा। उठने के बाद मैंने इस पर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिजिस तक, ये जो देखो 7 टाइम ये हुआ, लेकिन ये सिलाइयाँ तो 13, 14 पड़ी हुई हैं ये, क्योंकि दो सिलाई के बाद एक ये ऐसी रिज जाती है। ओके, ये बना के इसको बंद कर दिया। यहाँ से ये मेरी हुडी फिर वो उसके साथ जैकेट के साथ ऐसे अटैच होगी। ओके, अब और ये है अब फ्रंट, अब फ्रंट भी उसी तरह चॉप सा है, और इसको भी तो नीट करना है ना। अब इसी तरह मैं यहाँ से स्टिच उठाऊँगी, तो धागे को लूँगी फिर पहला स्टिच एवरी में से, और ये सेकंड में, ये ऐसे दो, फिर ये थर्ड, एवरी में से मैं ना एक एक दफ़ा ऐसे बना के इसको, फोर फाइव, हर एक में से ऐसे मैं उठाती चली जाऊंगी, सारों को मैं इसी तरह उठा लूंगी। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से सारे ऐसे देखें स्टिच उठा लिए हैं ये सारे, और ये 110 हुए हैं। पहले ये वाले जब मैंने उठाए थे तो 100 थे, वो इस तरह कि दोनों साइडों पे ये कुछ एक्स्ट्रा बार हो गया ना, तो 110 हो गए हैं। अब मैं कुछ सिलाइयाँ 5-6 सिलाइयाँ डालूंगी और फ्रंट की भी मेरा बॉर्डर बन जाएगा, और ये मेरी हुडी रेडी हो जाएगी अटैच करने के लिए। जी जी ये मैंने, ये देखें इस तरह इसको 1-1-1 करके डाल लिया है, दो सिलाइयाँ इसकी, दो इसकी करने के बाद
इतना बनाने के बाद इसको मैंने बंद कर दिया और ये हुडी मेरी रेडी हो गई है और ये अब इस तरह ये सिले की अटैच होगी। ये देखिए अब ये जैकेट इसका गला है तो इसको मैं इस तरह सीऊंगी। ये इसका मिडल आप देख लें, ये अंदाजा, ये मिडल, इस मिडल के साथ ये ऐसे जोड़ लूँगी, सी लूँगी, बना लूँगी और ये इधर से ऐसे सिलते सिलते जब ये देखें पूरी, देखें तकरीबन ऑलमोस्ट आपके सामने मैं इसकी पिनअप करती हूँ तो इधर मैं ऐसे सीऊंगी और ये ऐसे और एक मैं पिन यहाँ पे लगा लेती हूँ ऐसे। इसको मैं ऐसे करते करते ये देखें इसकी ऑलमोस्ट लेंथ पूरी हो रही है दोनों की, दोनों तरफ से ऐसे। ये देखिए इसी तरह मैं इस वाले पोर्शन को, ये मैंने धागा सिलाई के लिए रखा, इसके साथ ऐसे जोड़ दूंगी ऐसे हुडी। ये देखिए हुडी ऐसे अटैच हो जाएगी, ये ऐसे हुडी इसकी अटैच हो जाएगी, जब पहनोगे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और बैक पे हुड ऐसे, इनको सारों को मैं यहाँ से दोनों तरफ को आपसे सी लेती हूँ, ठीक है। ये हुडी का काम हो गया कंप्लीट। अब मैंने एक पॉकेट बना ली हुई है, ये देखिए एक साइड पे पॉकेट बनाई हुई है, ये देखिए ऐसे। दूसरी मैं आपके साथ बनाती हूँ। फ्रंट पैनल को मैंने इसके इसको सेवन देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जब 8 स्टार्ट होने लगा तो मैंने यहाँ से स्टिच उठाए हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 जैसे स्टार्ट होगा मैंने स्टिच उठाए हैं। देखो ऐसे करके 1 2 और स्टिच मैंने एक ये छोड़ के यहाँ से उठाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। मैंने टोटल 20 स्टिच यहाँ से उठाए हैं, 20 ही मैंने इधर से उठाए थे, ठीक। अब इसको उसी तरह मैं सीधा सीधा बनाना शुरू कर दूंगी। जी ये मैंने इसकी 3 सिलाइयाँ डाल दी हैं, ठीक है ना, पहली एक डाली फिर 1 2 और डालनी। अब मुझे ये करना है कि दोनों साइडों से एक एक स्टिच को बढ़ा लेना है। 20 मैंने उठाए थे, एक मैंने इस तरह बढ़ा लिया, एक मैं एंड पे बढ़ा लूँगी, ठीक। और उसके बाद बाकी बढ़ाने के बाद मैं उसी तरह बनाते बनाते करने के बाद एक मुझे यहाँ भी बढ़ा लेना है, ओके। अब ये 22 हो गए हैं। अब इन 22 को मैं देखें आपको दिखाना चाह रही हूँ इस पैनल पे, ये देखें। अब 22 को मैंने ऐसा किया है कि यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैंने उठाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम तो मैंने ये बिलू बिलू डाले हैं जब मेरा ये शुरू होने लगा था। उसके बाद मैंने 1 डाल ली, फिर ये ऐसे करने के बाद 4 टाइम इसको 1 1 करने के अंदर करने के बाद इसको बंद कर दिया है। 11 टाइम के बाद आप ये क्रीम कलर जो मैंने लगाया, आपने जो भी कलर कम्बिनेशन किया वो धागा चेंज कर लें, फिर ये ऐसे 4 टाइम करने के बाद ये ऐसे छोटी सी पॉकेट ऐसे रेडी हो जाएगी और बाद में हम इसको सी लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी जैकेट तैयार हो जाएगी। उस साइज़ की ये पॉकेट ऐसे बना ली है, उतने ही 11 तक ये बनाने के बाद फोन। अब अगला मसला सिलाई का, अगर तो इधर से हम यहाँ यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे और इधर भी, अगर तो आपको ये सीधा सीधा फील होता है ठीक है, वरना एक ऐसे पिन लें उनको इस तरह ये स्ट्रेट ये जो है ना उनके स्टिचेस इसमें से निकाल लें
ताकि आपको पता चले कि आपने इस इधर इधर सिलाई करनी है, वरना आप ये ना हो कि एक स्टिच इधर से एक उधर से टेढ़ी सी सिल लेना। यहाँ तक मैंने अभी कर ली है, ठीक। करने के बाद ये मेरी मैंने सुई ये डाली हुई है। अब ये देखें, यहाँ ये वाली है ना, मैंने इधर इसके 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 साथ वाले पे मैंने ऐसे इसको किया, फिर मैंने नेक्स्ट को प्रोना है, फिर मैं उसके ये देखें ये इसके साथ निशान लगा लिया ना। अब एक इधर से लूँगी एक उधर से लूँगी ऐसे, तो इसके सीते चली जाऊँगी और ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ सिलाई हुई हुई है। अगर आप इस तरह नहीं मार्क नहीं करोगे तो फिर वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें मैंने ये देखो पुराया ना, तो इसके साथ से मैं एक एक उठाती जा रही हूँ और ये देखें ऐसे पता भी नहीं चल रहा ये सिलाई हुई हुई है। थोड़ा सा मैं और करती हूँ और ये देखें ज़रा भी नहीं पता चल रहा ये सिलाई हुई है। इसको ऐसे निकालो। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।